गवर्नर के उत्ते जो तो अज मता पाया गया कि गवर्नर जोड़ा ने पंजाब के मुद्दों के इंटरफेयर करते हैं। अपने हल्के फिरोजपुर देहाती दे गवर्नर साहब तीन बारी विजिट कर चुके हैं 14 महीने। मैं गवर्नर साहब नूं कहूँगा कि जे गवर्नर साहब जे थोनों नशे की लैके इन्नी ही ज़्यादा चिंता है तो फिर गुजरात वाल झाकी मारी जा। हज़ारा करोड़ों रुपये की उत्थे हीरोइन भी फड़ी जाती है, नशा भी आता है। कदे गुजरात चलिए, गुजरात चल के उन्होंने कदे पीएम साहब को चिट्ठी लिखो कि मैं एक देश का जिम्मेवार नागरिक हाँ, मैं देश के संविधानिक अहुदे ते, लेकिन पूरे देश की फिक्र करना बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा फर्ज बनता है। तो आप गुजरात वाले पास भी चलिए, लेकिन उन्होंने गुजरात नहीं दसदा। और जिते भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स दूजे सूबे के बीजेपी की जी सेंट्रल टीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्हों की यह डिस्टर्ब करने लगे हुए। विधानसभा के जिस वेले मता पै रहा है सो बाहर इमाम सिंह मान जिहड़े ने सिमरनजीत सिंह मान के सपुत्र ने वो विरोध कर रहे थे कि जिहड़े गैर सिख ने वो एक मता पा रहे ने सिखी तरह। मैं बड़ी अफसोसजनक गल है कि मान साहब ये गल कर रहे हैं। मैं उन्होंने एक सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहिब सिखां दा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब सब दा। अज मैं मान साहब को पूछना चाहूँगा कि जदों कोई हिंदू या कोई होर नॉन सिख कम्यूनिटी जो गुरुद्वारा साहब जाके मत्था टेक दी तो तुसीं खुश होंदे भी साढ़े गुरुद्वारा साहब के विच सारे जने आ रहे हैं मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि गोल जी उन्होंने गोलक है वो वाल भी ध्यान है श्रोमणी अकाली दल हो रही इन्ह का। लेकिन नॉन सिख कितों हो गए अज? सरदार भगवंत सिंह मान सिख नहीं, पंजाब कैबिनेट के पंजाब 117 विधान MLAs के किन्ने ही लोग ने जोड़े सिख हैं। सिख कौन है? केस रखन दे नाल जां दाड़े रखन दे नाल सिख नहीं, सिख वो है जिहड़ा गुरु की बाणी तो सिखदा है। एक सूबे का मुख्यमंत्री चांसलर होएगा तो आपके सूबे के बच्चों के लिए ही फैसले लेगा, बाकी जेडे बाहरी सूबे के बच्चे आ रहे हैं उन्होंने पक्ष च फैसले। पंजाब दी जिनी यूनिवर्सिटीज ने उत्थे जिन्ने भी चांसलर ने उत्थे गवर्नर की नाते CM साहब होंगे। इहदा मतलब ये तो नहीं कि असीं सिर्फ पंजाबियों लई सोचांगे। जिहड़ा स्टूडेंट हुंदा उहदी कोई उहदा कोई खेत्र नहीं हुंदा, स्टूडेंट स्टूडेंट हुंदा। जिहड़ा कोई बच्चा पढ़न वास्ते आ रहा है, स्कूलों के बाहर की लिखा हुंदा, कॉलेजों के बाहर की लिखा हुंदा कि पढ़न वास्ते आओ ते सेवा लई जाओ। इत्थे पंजाबी बिहारी दिल्ली उत्तर यूपी कित्थे आ गया? सानू एक प्राउड फील होना चाहिए कि साढ़े पंजाब दे विच असी एजुकेशन का लैवल उपर उत्थों तक लैके जाणगे कि बाहरले सूबियां तो भी बच्चे आके साढ़े कोल। रजनीश जी, लगता नहीं कि जिहड़ा दहशतबाजियां दे करके जिहड़ा है पंजाब दे असल मुद्दे जिहड़े ने पिछे छुड़ रहे हैं? क्योंकि जेकर नशे की गल करिए या होर पंजाब दे मसलियां की गल करिए, पंजाब दे मसले तो उत्थे दे उत्थे खड़े ने, बस दहशतबाजियां जिहड़ियां ने पार्टियां दे विच बल। मैं खैरा साहब नूं एक अपील करूँगा कि खैरा साहब तुसीं पंजाब दे मुद्दे की गल करन लई आपकी हाजरी जिहड़ी है उस पहला तो हाउस के यकीनी बना। लेकिन इन्होंने कांग्रेसियों ने एक आपकी प्लैनिंग बनाई हुई है भी आप कुछ नहीं करना, उन्होंने दो काम करने हैं, एक हाउस ना चलन नहीं देना, दूजा जे हाउस चलता नज़र कितने आए तो रौला पा के बाहर आ जाए और बयानबाजी करनी है सुर्खियों के आना है बल्ले बल्ले। सत श्री अकाल, स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ थोड़े नाल विवेक कुमार। पंजाब दे विच दो रोज़ा स्पैशल विशेष सैशन सद्या गया, जिस तो बाद अज दूसरे दिन विधानसभा दे विच गुरबाणी दे प्रसारण नूं जिहड़ा है सारे चैनलों के उत्ते प्रसारण नूं लैके मता पाया गया, तो उस तो बाद जिहड़ा है पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच गवर्नर दे चांसलर तो हटा के पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं चांसलर दे अहुदे ते देण दे लई भी मता पाया गया। सो इन्हां सारे मतियां दे उत्ते गलबात करन दे लई मेरे नाल इस समय मौजूद
मौजूद ने रजनीश दया फिरोजपुर देहाती तो आप विधायक ने सो वो साढ़े नाल इस समय मौजूद है उन्होंने नाल गलबात करांगे जिहड़े विरोधियों के वलों भी जिहड़ा इस नूं लैके क्रिया प्रतिक्रिया जताई जा रही है। सब तो पहले रजनीश दया जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा स्काई न्यूज़। थैंक यू जी। थैंक यू जी। गवर्नर के उत्ते जो अज मता पाया गया कि गवर्नर जिहड़ा ने पंजाब के मुद्दों के इंटरफेयर करते हैं, सो जेकर हुण गवर्नर के दौरे की गल करिए सब तो ज़्यादा दौरे उन्होंने जिहड़ा ने थोड़े इलाके दे विच रहे ने, तुसी फिरोजपुर देहाती तो विधायक हो, सो उत्थे जाके जिहड़ा ने नशियां का मुद्दा चकते हैं, किवें देखते हो उन्होंने बयान? गवर्नर साहब इस टाइम बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लाए हुए हैं हुण वह, क्योंकि बीजेपी ना तो पंजाब दे विच सरकार सारी उम्र कदे बना सकती है ना ही उन्होंने पता ही बनाउणी, लेकिन किसी ना किसी तरीके किसी ना किसी इवेंट राही वो पंजाब दे विच आपदी मूवमेंट चला रहे हैं। मेरे अपने हल्के दे विच फिरोजपुर देहाती दे विच गवर्नर साहब तीन बारी विजिट कर चुके हैं 14 महीने दे विच। इन्हां नूं सिर्फ एको ही काम है कि पंजाब सरकार नूं असीं भंडना किवें, पंजाब सरकार दी असीं बदनामी किवें करनी है, क्योंकि पंजाब सरकार इस टाइम वो लोग पक्की फैसले ले रहे कि लोग पंजाब की जनता 14 महीनों के जोड़े साडा सैशन है सरकार का ये तो बहुत खुश है। मैं गवर्नर साहब न कहूँगा कि जे गवर्नर साहब जो थोड़ा नशे की लैके इन्नी ही ज़्यादा चिंता है तो फिर गुजरात वाल झाकी मारी है, हज़ार करोड़ों रुपये की उत्थे हीरोइन भी फड़ी जाती है, नशा भी आता है। कदे गुजरात चलीए, गुजरात चल के उन्होंने कदे पीएम साहब को चिट्ठी लिखो कि मैं एक देश का जिम्मेवार नागरिक हाँ, मैं देश के संविधानिक अहुदे ते, लेकिन पूरे देश की फिक्र करना बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा फर्ज बनता है, तो आप गुजरात वाले पास भी चलिए, लेकिन उन्होंने गुजरात नहीं दसदा। और जिते भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स दूजे सूबे के है, बीजेपी की जी सेंट्रल टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्हों की डिस्टर्ब करने लगे हुए हैं। रजनीश जी जेकर गल करिए अज गुरबाणी प्रसारण में लैके मता पाया गया, सो विधानसभा के जिस वेले मता पै रहा सो बाहर इमाम सिंह मान जिहड़े ने सिमरनजीत सिंह मान के सपुत्र ने वो विरोध कर रहे थे कि जिहड़े गैर सिख ने वो एक मता पा रहे ने सिखी धर्म। मैं बड़ी अफसोसजनक गल है कि मान साहब ये गल कर रहे हैं, मैं उन्होंने एक सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहिब सिखा दा नहीं? गुरु ग्रंथ साहिब सब सब दा, गुरु घर के हिंदू भी मत्था टेकदा, गुरु घर के मुसलमान भी मत्था टेकदा, गुरु घर के क्रिश्चन भी मत्था टेकदा, सारे टेकते हैं। साढ़े देश के संविधान की यह खूबसूरती है कि साढ़े जड़े धर्म ने भावें वह गुरु ग्रंथ साहिब जी ने साडे जड़े पवित्र ग्रंथ ने भागवत गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, साडे धार्मिक ग्रंथ उहदे च किते नहीं लिखे है कि यह सिर्फ कुरान है तो सिर्फ मुसलमानों लई है, बाइबल है तो सिर्फ क्रिश्चन लई है, भागवत गीता तो सिर्फ हिंदुओं लई है, या गुरु ग्रंथ साहिब तो सिर्फ सिखां लई है, यह सारे लई है। अज मैं मान साहब नूं पुछना चाहूँगा कि जदों कोई हिंदू या कोई होर नॉन सिख कम्यूनिटी जदों गुरद्वारा साहब जाके मत्था टेकदी है तो तुसीं खुश होंदे भी साडे गुरद्वारा साहब दे विच सारे जने आ रहे हैं मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि गोल जिहड़ी उन्हां दी गोलक है उहदे वल भी ध्यान है श्रोमणी अकाली दल हो रही है इन्हों का। लेकिन नॉन सिख कितों हो गए? अज सरदार भगवंत सिंह मान सिख नहीं, पंजाब कैबिनेट के पंजाब 117 विधान MLAs के किन्ने ही लोग ने जिहड़े सिख हैं, सिख कौन है? केस रखन दे नाल जां दाड़े रखन दे नाल सिख नहीं, सिख वो है जिहड़ा गुरु की बाणी तो सिखदा है। सिख वेशभूषा नाल नहीं असी जजमेंट कर सकते कि सिर्फ एक वेशभूषा दे नाल ही आपां सिख बने। हुण मैं पग बन्नी हुई है क्योंकि मेरी पंजाब की आन बान शान मेरी पगड़ी, मैं हिंदू हाँ, मैं गुरुद्वारा साहब जी भी जाता, मेरा ब्याह आनंद कार्ज होए ने, मेरे फेरे नहीं हुए मेरे आनंद कार्ज होए ने, तो इट डजेंट मीन कि मैं सिख नहीं हाँ। सिख की परिभाषा तो बड़ी वर्ल्ड वाइड है और राजनीतिक मुद्दों की पूर्ति लई या राजनीतिक आपके ऑब्जेक्ट्स नूं पूरा करने लई सिर्फ तुसीं इहनूं यूज़ करना, इहनां दी बीमार मानसिकता नूं साबित करदी है।
रजनीश जी जे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जेकर पंजाब दे पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच चांसलर मुख्यमंत्री नूं लगाया जाता है तो जिहड़े होर स्टेटां तों या होर सूबिआं तों आ के विद्यार्थी पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ रहे हैं उन्हां दे नाल वितकरा होएगा उन्हां दे नाल जिहड़ा जेकर एक सूबे का मुख्यमंत्री चांसलर होएगा तो आपदे सूबे दे बच्चिआं दे लई ही फैसले लेगा बाकी जिहड़े बाहरी सूबे दे बच्चे आ रहे हैं उन्हां दे पक्ष च फैसले नहीं लेगा। बिल्कुल गलत। पंजाब दी जिन्नी यूनिवर्सिटीज़ ने उत्थे जिन्ने भी चांसलर ने उत्थे गवर्नर दी नां ते सीएम साहब होणगे। इहदा मतलब ये तो नहीं कि असी सिर्फ पंजाबियों लई सोचांगे। जिहड़ा स्टूडेंट हुंदा है उहदी कोई उहदा कोई खेतर नहीं हुंदा। स्टूडेंट स्टूडेंट हुंदा है। जिहड़ा कोई बच्चा पढ़न वास्ते आ रहा है स्कूलों के बाहर की लिखा हुंदा है कॉलेजों के बाहर की लिखा हुंदा है कि पढ़न वास्ते आओ ते सेवा लई जाओ। इत्थे पंजाबी बिहारी दिल्ली उत्तर यूपी ये कित्थे आ गया। सानू ये प्राउड फील होना चाहिए कि साढ़े पंजाब दे विच असी एजुकेशन का लैवल उपर उत्थों तक लैके जाणगे कि बाहरले सूबियां तों भी बच्चे आके साढ़े कोल पढ़न। एक जाते जाते आखिरी सवाल ले लैने जेकर पंजाब की मौजूदा स्थिति देखिए चाहे वह नवजोत सिंह सिद्धू जो इल्जाम प्रति इल्जाम लगाते हैं मुख्यमंत्री के उत्ते तो मुख्यमंत्री भी प्रतिक्रिया देते हैं उस तो बाद हूँ जेकर मैं रीसेंटली मामले की गल करा तो जो सरबजीत कौर मानुके तो सुखपाल सिंह खहरा का मामला जो भखदा जा रहा है एक कोठी लैके इस तो पहला चाहे वह कटारू चक्कर का मामला हो सो पंजाब के दूषणबाजियां एक दूसरे पर लगाइया जा रही ने सो यही चर्चा का विषय भी रहा कि जिहड़ियां दूषणबाजियां ने प्रतिक्रियावां ने उहदे विच मर्यादा भी जिहड़ी भुल गई शब्दों की क्योंकि सीधा पिता तक या किसी की परसनल लाइफ तक पहुँच जाते हैं। सो रजनीश जी लगता नहीं कि जो दूषणबाजियों के करके जो पंजाब के असल मुद्दे जो है पिछे छुड़ रहे हैं क्योंकि जेकर नशे की गल करिए होर पंजाब के मसलों की गल करिए पंजाब के मसले तो उत्थे खड़े ने बस दूषणबाजियां जिहड़ियां ने पार्टियां दे विच वध गई। मैं खहरा साहब को एक अपील करूँगा कि खहरा साहब तुसी पंजाब के मुद्दे की गल करन लई आपकी हाजरी जिहड़ी है उस पहला तो हाउस के विच यकीनी बनाओ। मुद्दों ते गल करन वास्ते मटीरियल चाहिए हुंदा। मटीरियल वास्ते हाउस नूं फेस करना जरूरी है लेकिन इन्हां ने कांग्रेसियां ने एक आपकी प्लैनिंग बनाई हुई है भी आपां कुछ नहीं करना। उन्होंने दो काम करने हैं एक हाउस ना नूं चलन नहीं देना दूजा जे हाउस चलता नज़र कितें आए तो रौला पा के बाहर आ जाना और बयानबाजी करनी है सुरखियों के आना बल्ले बल्ले करो। अज तुसी ये वेखो RDF किड्डा वड्डा इंपोर्टेंट इशू सीगा। रूरल डिवेलपमेंट फंड साडा पंजाब पंजाब नहीं देश का दो तिहाई हिस्सा पिंडां च वसदा साडी बैकबोन है जिहड़े साडे पिंड ने खेती साडी बैकबोन है। हुण रूरल डिवेलपमेंट फंड के उत्ते चर्चा हो रही सी जे एक किसान हितेशी होंदे जे पंजाब हितेशी होंदे पंजाबीयत दे राखे होंदे पंजाब दे दी अर्थव्यवस्था दे पक्षी होंदे पंजाब दे इकनोमिकल स्टेटस दे पक्षी होंदे तो इन्हां नूं RDF दे उत्ते सरकार दे नाल खड़ना चाहिए सी कांग्रेसियों नूं पर सारे दे सारे कांग्रेसी बाहर चले गए। BJP ने ऑलरेडी बायकाट किया क्योंकि BJP नूं पता सी वी जवाब सानूं देना पैणा हाउस ने। अज BJP दा बायकाट कांग्रेसियों दा वाकआउट ये साबित करता है कि अकाली सॉरी BJP और कांग्रेस फ्रेंडली मैच कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा अकाली दल के दोवें MLA साहबान सुखविंदर सुखी जी का मनप्रीत अली जी का और BSP के डॉक्टर नछत्र जी का जिन्होंने RDF के मुद्दे पर सरकार के नाल खड़ के पंजाब के हक की जड़ी हिमायत की। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी अपना कीमती समा सानू देने दे लई। सो ये सन फिरोजपुर देहाती तो विधायक रजनीश दहिया जिन्ह ने विधानसभा सैशन के उत्ते बोलते हुए गलबात की तो उत्थे उन्होंने RDF के मुद्दे के उत्ते श्रोमणी अकाली दल बसपा का जिहड़ा धन्यवाद भी किया कि उन्होंने वालों हमायत की गई है मते की। सो उस ही उन्होंने जिहड़ा कांग्रेस के उत्ते सीधे निशाने चुकते हुए कहा कि कांग्रेस बेशक पंजाब के मुद्दे जिहड़ा चक्कण का एक जिहड़ा दिखावा करती है पर जिथे असल मुद्दे चक्के जाने उत्थे वो बायकॉट करके चली जाती है। सो कैमरामैन प्रवीण के नाल विवेक कुमार चंडीगढ़।